दोस्तों, आपने जेब दी किलर के पिछले पार्ट अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। और हमारी स्टोरी आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बुरा लगता है तो डिसलाइक करें। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जेब दी किलर शॉन को मारने के लिए उसके घर पर आया था, लेकिन तब तक शॉन अपने घर से गुल्ली बुल्ली के घर की ओर रवाना हो गया था। इधर जेब दी किलर ने शॉन के वॉचमैन को शॉन के तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि ये कहाँ मिलेगा। फिर वो वॉचमैन कुछ देर वो तस्वीर को दिखता है और बोलता है कि ये तो हमारे छोटे साहब है। कुछ देर पहले वो उसकी दोस्त गुल्ली बुल्ली के घर पर जाने के लिए रवाना हो गए। ये बात सुन के जेब दी किलर ने कुछ देर हंसता रहा, फिर वहां से जाने वाला ही था। तभी वो वॉचमैन जेब दी किलर को पूछता है, हमारे छोटे साहब के साथ आपको क्या काम है? आपको देखने में तो बड़ा ही अजीब लग रहा है, आप है कौन? वॉचमैन की ये बातें सुन के जेब दी किलर को बहुत ही मजे आ रहा था। तभी जेब दी किलर ने बोलता है, तेरा छोटे साहब को मारने की सुपारी लिए है हम, उसे मार के मैं अपनी वादा पूरा करूंगा। जेब दी किलर के ये बातें वो वॉचमैन को हजम नहीं हुआ। तभी वो वॉचमैन जेब दी किलर को बोलता है, तू रुक, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। वॉचमैन के ये बातें सुन के जेब दी किलर को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तू ऐसा मत कर, नहीं तो मैं तुझे मौत की घाट उतर दूंगा। वॉचमैन जेब को कोई भाव नहीं देते, वो अपने काम में लगा हुआ है और वो पुलिस को जेब दी किलर के बारे में बता देते हैं। वॉचमैन की ये हरकतें जेब दी किलर को और भी गुस्सा दिलाया। तभी जेब दी किलर ने अपने जेब से चाकू निकालते हैं और वो वॉचमैन को मार देते हैं। वॉचमैन वही मर जाते हैं। अभी जेब दी किलर को तुरंत यहाँ से निकलना है, नहीं तो पुलिस आके जेब दी किलर को पकड़ लेगा। लेकिन जेब दी किलर बहुत ही चालाक किलर है, वो वॉचमैन को मारने के बाद वहाँ नहीं रुकता, तुरंत वहाँ से फरार हो जाते हैं। इधर गुल्ली बुल्ले अपने जीप लेकर मार्केट जाने वाले हैं, क्योंकि आज शॉन की बर्थडे है और इसलिए केक लाना है मार्केट से शॉन के लिए। और इन लोगों को जल्दी ही केक लाना है मार्केट में से, क्योंकि शॉन किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाले हैं। इन लोगों को पता भी नहीं है कि शॉन आज अकेले नहीं आ रहे, शॉन अपने साथ मौत को भी ला रहा है यहाँ पर। लगता है आज शॉन के साथ साथ गुल्ली बुल्ली भी मरने वाले हैं। इधर कुशपाल में शॉन गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि शॉन गुल्ली बुल्ली के घर के करीब आ चुका है। शॉन गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच गए और सोच रहे, ये गुल्ली बुल्ली कहाँ गया, कहीं नहीं दिख रहा है। फिर वो सोचता है, लगता है गुल्ली बुल्ली उसे सरप्राइज देने वाले हैं, इसलिए शायद घर में छुपा हुआ होगा। ये सोच के शॉन घर के अंदर जाने लगते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली मार्केट में पहुंचने वाले हैं। अरे ये क्या है गुल्ली बुल्ली के जीप के सामने? लगता है कोई पागल आदमी जो दारू पी के बीच रास्ते से चल रहा है। अरे वो आदमी तो गुल्ली बुल्ली को हाथ के जरिए इशारा कर रहा है जीप रुकाने के लिए। तभी गुल्ली बुल्ली को बोलता है, जीप थोड़ा रुकाओ, इस आदमी को लगता है कोई मदद चाहिए, इसलिए वो आदमी शायद हाथ हिला रहा है। गुल्ली गुल्ली के बात मान लेते हैं और वो आदमी के सामने जाकर जीप बंद कर देते हैं। इन लोगों को शायद पता नहीं है कि ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, ये जेब दी किलर है जो इन लोगों के घर में ही जाने वाले हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली यहाँ पर ही मिल गए। तो दोस्तों, गुल्ली बुल्ली को आप क्या होगा? क्या ये लोग जेब दी किलर के हाथों मर जाएगा?